विजयी हुई क्योंकि गुरुकुल हरिद्वार की टीम अनुपस्थित रहने की वजह से इसे वॉकओवर दिया गया और अब यही बने रहे वो टीम आ रही है स्टेडियम रोहतक। देश भर में सूचनाएं प्रदान करते हैं, मुख्य रूप से ये यूट्यूबर है, वैसे बीच बीच में थोड़ा बहुत कर लेते हैं कॉमेडी भी, तो मुझे उम्मीद है कि भाई सबसे पहले कमेटी का हार्दिक आभार और धन्यवाद भाई ये उपलब्धि मुझे दे। मुकाबला आपके बीच चल रहा है सेकंड कोर्ट पर, बहुत बेहतरीन मुकाबला चल रहा है। एक तरफ आश्रा एकेडमी तो दूसरी तरफ है देवभूमि एकेडमी और एक कल जबरदस्त मुकाबला जीता था बिल्कुल अंतिम टाइम में पहले दिन के और बेहतरीन टीम मोहनी अतवाड़ा की टीम को बेहतरीन मुकाबले में आया था राजन भाई। तो ऑलरेडी मुंबई पहली टीम है और कमाल काम कर हमारे बीच में पहुंचे हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर श्रीमान, आप हमारे बीच में पहुंचे हैं, आपका समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं निवेदन करूंगा हमारे समिति के अध्यक्ष श्रीमान रविंदर भंडारी जी से कि आप मोमेंटो दे करके श्रीमान सुशील भाई ने बहुत कम समय में अपना नाम जौनसार बावर में कमाया है। आप आज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर की श्रेणी में ये श्रेणी जहां पर भी होते हैं वहां पर आपका तन मन धन से सहयोग रहता है, ऐसे मेरे छोटे भाई सुशील गौड़ जी और मुझे उम्मीद है कि आप आज भी हमारा जो ये शहीद के रूप में जो कार्यक्रम हो रहा है इसके लिए भी आपसे समिति उम्मीद करती है। मुख्य मंच पर उपलब्ध करा दें ड्राई फ्रूट वाले उनके समूह का ड्राई फ्रूट को उपलब्ध करा दें। कंबाइंडली ज्वाइंटली हेलो और हेलो कोर्ट नंबर एक में जो मैच होने हैं मैं निवेदन करूंगा निर्णायक मंडल से आप वो भी अवगत करा दे। सुनील बेहतरीन एंगल होल्ड किया है शुभम ने और जबरदस्त सुपर टैक करें। स्वागत समिति से निवेदन, आप श्रीमान श्याम सिंह तोमर जी को मुख्य मस्तक लाने का कष्ट करें। श्रीमान श्याम सिंह तोमर जी ग्राम सकरोल वर्सेस यूके एकेडमी बी। यह 5 मिनट से पहले दोनों टीमें ग्राउंड में रिपोर्ट करें। 11:30 से अधिक का समय हो चुका है और बाकी कार्यक्रम को भी जल्दी अंजाम तक। देवभूमि एकेडमी वर्सेस आश्रा एकेडमी के बीच और उत्तराखंड की तरफ से अगर देखा जाए तो उन्होंने उदाहरण देके भी समझाया है सारी टीमों को कि हम किसी से कम नहीं है। साउंड मैन से निवेदन, ये जो कॉर्डलेस है श्रीमान योगी जी के पास इसकी थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे। बेहतरीन एक और जंप लगाई है राजन ने। स्कोर की बात करें साथियों सेकंड कोर्ट पर तो 8-13 का स्कोर है, कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, एक लोना जरूर मिला है और उस लोना के बाद भी अगर आप 5 पॉइंट की लीड में है तो कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं कह सकते। लोना फॉर्मेट में भाई 4-5 पॉइंट की लीड कोई ज्यादा मायने नहीं रखती है। एक और बेहतरीन प्रयास नवीन का और राज्य आंदोलनकारी श्रीमान मेहर सिंह जी पहुंचे हैं। स्वागत समिति से निवेदन, श्रीमान मेहर सिंह जी को मुख्य मस्तक लाने का कष्ट करें और बाद में 2 या 3 मिनट बचा तो तभी ये 5 मिनट की लीड कोई बड़ी लीड नहीं होती, 10 की भी कोई लीड। श्रीमान श्याम सिंह तोमर जी आप हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, आप मुख्य मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान तोमर जी टीचर जी को समर्पित 104वां ये कबड्डी का आयोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम और शामिल होकर
इतिहास के पन्नों में अपना नाम। चांद तिरंगा तू दिल है मेरा और मेरी जान तिरंगा, जब तक रहेगी दुनिया तेरा नाम रहेगा, दुश्मन के लिए है मौत का ऐलान तिरंगा। और मेरा श्रीमान राहुल नेगी जी से निवेदन, आप श्रीमान श्याम सिंह तोमर जी को बैंस लगाकर सम्मानित करने का कष्ट करें। उत्तराखंड की एकेडमी देवभूमि कबड्डी एकेडमी और सामने भाई आसरा एकेडमी, हेलो, उसमें रोहतक और उत्तराखंड पुलिस दोनों ही टीमें अभिलंब कोर्ट में पहुंच जाए। आपके लिए 5 मिनट का समय निर्धारित कर दिया था, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट। आपको बार बार हमें बुलाना पड़ता है, आप विशेष ध्यान दें इस बात का कि आप मुख्य मंच के सामने ही रहे। कोर्ट नंबर 2 पर कड़ी टक्कर देखने को मिली है अभी तक। लखावटी वर्सेज यूके पुलिस के ये दोनों टीमें एकदम तैयार रहे कोर्ट नंबर 2 के लिए और 1 के लिए। मैंने अभी बताया ही आपको, राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक वर्सेज यूके पुलिस भी अभिनंदन करती है। भाई सुनील को बहुत अनुभव है हरियाणा की तरफ से, चाहे नेशनल की बात करें या टूर्नामेंटों की बात करें, ऑल इंडिया टूर्नामेंटों की, और वही अनुभव यहां काम करता हुआ लगातार बोनस प्लस वन कर रहे हैं और टीम को समाप्ति से पहले पहले बहुत मजबूत स्थिति कर ली देवभूमि एकेडमी विकास नगर ने। विकास नगर की टीम उधर है और हमारी तरफ जो है ये श्रीमान राजन 4 के डिफेंस में आश्रा एकेडमी की तरफ से देवभूमि कबड्डी की एकेडमी के कोर्ट में रेड करता हुआ एक खिलाड़ी और बेहतरीन प्रदर्शन लगातार किया इस खिलाड़ी ने। राजन में आपकी अहम भूमिका रही है, आप इस मंच पर पधारे हैं, इस मंच की शोभा आपने बढ़ाई, समिति आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील और कंडक्टर एक बार फिर 12 नंबर जर्सी के साथ लगातार भाई बोनस प्लस वन देखने को मिला अभी तक इस खिलाड़ी का। लेफ्ट है, 3 खिलाड़ी कोर्ट में है देवभूमि एकेडमी के, अगर यहां से ऑल आउट मिला तो स्कोर बराबरी की तरफ आ जाएगा। एक और बेहतरीन टो टच हुई धीरे धीरे, अभी फ्रंट फुट पर आने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी पड़ेगी, हर संभव प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर के संभावित स्थिति बनेगी वरना माइनस में चले जाएंगे। शिवराम जी के पौत्र श्रीमान शर्मा जी पहुंचे हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो लौटते हैं भाई खेल के मैदान में कोर्ट नंबर 1 पर। अगला मैच राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक वर्सेज यूके पुलिस भी, दोनों टीमों को कई बार अनाउंस कर लिया अभी तक, वो आ तो गए थे, आ जाइए जल्दी। लोक गायक श्रीमान राकेश दिनभर जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, समिति आप स्थान ग्रहण करें। कोर्ट नंबर 2 पर जोशवर रोहतक जो भी जीत के गई है थोड़ी देर पहले, उनके साथ केसरी युवा समिति टीम का मैच है, तो दो रोटी में कोर्ट बेहतरीन रेड आश्रा एकेडमी की तरफ से। सुनील क्या यहां से फिर निकाल पाएंगे अपनी टीम को, बोनस का प्रयास जरूर किया है, लगातार मल्टी पॉइंट रेड देखने को मिली है सुनील की। तो भाई स्कोर बराबरी की तरफ बिल्कुल, राजन 2 के डिफेंस में दोनों बेहतरीन खिलाड़ी, एक डिफेंडर तो दूसरा ऑलराउंडर। राजन के लिए 70 सर टीम को ऑल आउट करने का और उनके पास मौका है सुपर टैकल करके 2 अंक अर्जित करने का, देखते हैं कौन से ही कामयाबी मिलेगी, किसे मिलेगी। और इसी के साथ टैकल कर लिया, रेफरी तैयार है, कोर्ट नंबर 1 की दोनों टीमें नहीं तैयार है अभी, जल्दी पहुंचे 30 सेकंड में दोनों टीमें ग्राउंड पर पहुंचे, कोर्ट नंबर 1 खाली है। और बेहतरीन डैश देखे, अंतर अभी वही 5 पॉइंट का है। सुनील एक सुपर टैकल लगा चुके हैं, 3 मल्टी पॉइंट ऐड कर चुके हैं, ऑलराउंडर प्रदर्शन है, बेहतरीन टोटल शुभम का। स्टेडियम रोहतक आपके लिए लास्ट एंड फाइनल कॉल, आप इमीडिएटली कोर्ट में पहुंच जाए। राज्यों के पुलिस भी को बैच अलंकरण कर उनका सम्मान करेंगे श्रीमान अमित जोशी जी, और में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आपका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है, आपका जीवन बहुत संघर्षशील रहा है, जौनसार बावर को एक नई ऊर्जा दिशा देने का आपने काम किया और